हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी L7 जो पार्ट था उसमें हमने किया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50, कि 5 pencils हैं और 7 pen हैं, उनका एक साथ जो कॉस्ट है वो ₹50 है। वेयर एज 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट ₹46। और उसके बाद क्या कहा गया कि 7 pencils और जो 5 pen है, अगर इनका एक साथ में कॉस्ट पता करा जाए तो वो कितना है, ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen। आपको करना क्या है कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट पता करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen आर एक्स एंड वाई रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, कि हमने एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट एक्स और वाई रुपीज़ मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या रेफर कर रहा था कि 5 pencils और 7 pens का टुगेदर कॉस्ट कितना है, ₹50। तो मैंने वही लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ 5 pencil प्लस कॉस्ट ऑफ 7 pens इज इक्वल टू ₹50। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज़ है, तो 5 pencils का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली 5x, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। और एक पेन जो है उसकी कॉस्ट वाई रुपीज़ है, तो 7 pen की कॉस्ट कितनी होगी, 7y, दिस वन इज इक्वल टू ₹50। इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अगेन जो सेकंड बैट है क्वेश्चन की, वो क्या कह रही है कि 7 pencils and 5 pens का जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितना है, ₹46। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कॉस्ट ऑफ सेवन पेंसिल्स एंड प्लस 5 pens इज इक्वल टू ₹46। तो 1 pencil का कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, तो 7 pencil का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7x। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 5 pens का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, 46। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो गई, एक्स और वाई वेरिएबल के दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और एक्स और वाई के दो सेपरेट वैल्यू निकालनी है, और ये जो सॉल्यूशन है हमें वो ग्राफिकली करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकली हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब ग्राफिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो हमें इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और जो सेकंड इक्वेशन है उसका भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज पे चाहिए या वाई के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू चाहिए। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ भी वही करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, आपको एक बात बताना चाहते हैं यहाँ पर कि देखिए, अगर मैं एक्स की मैंने सबसे पहली वैल्यू 0 पुट की तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। देन अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 50/7 आएगा। अब देखिए 50 जो है वो कम्प्लीटली 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये हर सिचुएशन में आप x के जब भी कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो y का मल्टीपल है वो 7, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो जो परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम उल्टा करते हैं कि हम x के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, y के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, x की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो देखिए, जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50/5 दैट इज 10। जब आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या क्या आ गए, देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये तो फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि y की सेकंड वैल्यू पुट करनी है और फिर x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे देखिए, मैं y की वैल्यू अगर इसमें 1 पुट करता हूँ, तो देखिए मैंने 1 पुट किया यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 5x और प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 50-7 दैट इज 43। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43/5। तो देखिए 43 5 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हो क्या रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए y की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं, देखिए आप 1 भी पुट करके देखिए, 2 भी देखिए, 3 भी पुट करिए, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करिए। तो देखिए मैं कर कह रहा हूँ कि मैंने जब y की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट की, तो देखिए अगर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 5x और प्लस कितना हो जाएगा, 5/7 दैट हो जाएगा 35, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 50-35, तो 50 में से जब आप 35 को सॉल्व माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपसे, 15/5 दैट इज 3। तो जो कोऑर्डिनेट मिले आपको वो क्या मिल गया कि x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, 5।
वही स्टूडेंट देखिए, अगर आप वन पुट करते, टू पुट करते, थ्री पुट करते, तो ये भी जो भी सम होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू ऐसी आती, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आता और वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हमने वाई की वैल्यू कितनी पुट किया पर 5। और जब हमने 5 पुट किया तो देखिए यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आई वो एक परफेक्ट डिजिट आई, यानी कि 3 आया है। तो ये हमें ग्राफ ड्रॉ करने में ईजी होगा। अब देखिए इसी तरह से अगर हम आगे भी वैल्यूज पुट करें, आप क्या करेंगे, वाई की 5 के बाद 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं वाई की वैल्यू, अगर आप सीधे सीधे 10 पुट कर दें, तो जब आप 10 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x और प्लस कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 70 दैट इज माइनस 20। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 और अपॉन 5 दैट इज माइनस 4। 5 4 जो 20 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। यानी कि जो अब कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या क्या आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट आ गए -4 और y कोऑर्डिनेट कितना है 10। तो हमने y के तीन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x के तीन डिफरेंट वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई। तो आइए अब इसकी टेबल बना लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस पहली वाली इक्वेशन के लिए टेबल बना दी यहाँ पर। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की थी तो हमारा x 10 आया था, जब y की वैल्यू हमने 5 पुट की थी तो x हमारा 3 आया था, और जब y की वैल्यू हमने 10 पुट की थी तो x की जो वैल्यू आई थी वो -4 आई थी। अब आइए दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी हम टेबल यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए आप दोनों काम कर सकते हैं, या x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पता कर लीजिए, या y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पता कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अभी, और ऐसा हम नहीं करेंगे, क्यों अभी आपको बताते हैं कि अगर हम पुट y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, तो जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 46। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 और अपॉन 7। अब देखिए 46 क्या है, वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल्स में आएगा, और डेसिमल्स में हमें ग्राफ ड्रॉ करने में क्या होगा, थोड़ा परेशानी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ, देखिए x की जब भी आप कोई वैल्यू निकालेंगे, जैसे आप y की वैल्यू 1 भी रखेंगे या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, तो जो भी सम आएगा जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो जो x का मल्टीपल होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जैसे यहाँ पर गया है। यानी कि न्यूमरेटर में आपको ऐसा नंबर चाहिए कि जो 7 के टेबल में आता हो, तभी तो कटेगा। जैसे बाय द वे यहाँ 35 आया होता, तो जब आप 7 से 35 को काटते तो 7 5 35 होता है, तब x की पूरी परफेक्ट वैल्यू मिलती। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम y की ऐसी वैल्यूज पुट करें कि जो x हो वो कम्प्लीटली, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पर न्यूमरेटर आए वो 7 से कम्प्लीटली कट जाए। तो उसके लिए देखिए हम 7 की टेबल लिख लेते हैं। तो 7 की जो टेबल होती है वो होती है 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें न्यूमरेटर में यही नंबर अगर मिल जाएंगे तो वो 7 से कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आइए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं कि पुट y इज़ इक्वल टू 11/5। अब देखिए 11/5 क्यों किया हमने, अब यहाँ ध्यान से रखिए, आप पहले रख के देखिए, ये हो जाएगा 7x प्लस 5 इंटू 11/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 46। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसीलिए देखिए डिनोमिनेटर में मैंने 5 लिया हुआ है कि ताकि ये, क्योंकि y का मल्टीपल कितना है यहाँ पर, y किससे मल्टीप्लाई हुआ है 5 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाए। अब ये 11 क्यों लिया वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 11 उस साइड जाएगा, तो 46 माइनस 11 हुआ, तो ये कितना आ गया 35। तो देखिए मैंने कहा था कि ऐसा नंबर आना चाहिए कि जो 7 के टेबल में हो, तो 7 5 देखिए यहाँ पर कितना होता है 35, तो आया ना 35। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 और अपॉन 7, और 7 से जब आप इसे काटेंगे तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35, यानी कि अल्टीमेटली कितना आ गया 5। तो जो इस मतलब कोऑर्डिनेट्स जो आए वो क्या क्या आ गए, देखिए x कोऑर्डिनेट 5 है, तो उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट कितना था 11/5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 और 11/5 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 2 10 और 5 2 10 2.2। तो देखिए ये आ गया कोऑर्डिनेट। इसी टाइप से आप जब सेकेंड इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू 18/5, तो देखिए अब हम y की वैल्यू 18/5 रखते हैं। तो देखिए ये वैल्यू क्यों रखी है, समझ में आ जाएगा आपको। तो इक्वेशन हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें 18/5, तो यहाँ से हो जाएगा 7x प्लस 5 इंटू 18/5 इज इक्वल टू 46। तो देखिए फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 और माइनस कितना हो जाएगा 18। तो 46 में से जब 18 को माइनस करेंगे आप तो आ जाएगा 28। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 28 और अपॉन 7, तो 7 4 से कितना होता है 28, कितना आ गया 4। तो जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया 4, x कोऑर्डिनेट देखिए 4 आया, और y कोऑर्डिनेट कितना है 18 और अपॉन 5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4, देखिए ये हो जाएगा 5 3 15
रिमाइंडर बचेगा 3, तो 5 6 या 30, 3 पॉइंट कितना हो गया 6। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो थर्ड वैल्यू पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू, देखिए 46 आर अपॉन 5, तो देखिए यहाँ से क्या मिलता हमें, यहाँ से मिल जाएगा 7x प्लस 5 इंटू 46 अपॉन 5 इज इक्वल टू 46। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 46, तो यहाँ से अल्टीमेटली x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 अपॉन 7, दैट इज 0। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, 0 और 46 और अपॉन 5, या आप इसको लिख सकते हैं 0, देखो 5 से आप 46 को जब डिवाइड करेंगे, 5 9 जा होता है 45 और 5 2 जा कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, तो 1 रिमाइंडर होगा, तो 5 2 जा 10, तो ये कोऑर्डिनेट कितने मिल गए 0 एंड 9.2। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी टेबल बना लेते हैं, अब इसकी टेबल देखिए कैसे होगी। तो इसकी जो टेबल हमने बनाई है वो क्या आ गई, देखिए x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज, x और y हो गया। तो देखिए सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट आया हमारा वो क्या आया था 5 एंड 2.2, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 2.2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, जब x कितना है 4, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 3.6। और लास्ट वन, जब x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 0, देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट कितना है 9.2, तो यहाँ हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 9.2। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन की भी टेबल बन गई है और हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसकी भी टेबल बन चुकी है। अब आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये उसकी टेबल है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये उसकी टेबल है। देखिए ये हो गया हमारा x x डैश एक्सिस और ये हो गया y एंड y डैश एक्सिस। तो आइए स्टूडेंट्स इस टेबल के अकॉर्डिंग जो x और y की वैल्यूज हैं उनकी प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दो सबसे पहले देखिए कि x की वैल्यू -4 है, तो देन y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो x -4 कहाँ है देखिए, तो x -4 यहाँ पर है और y कोऑर्डिनेट 10 है, तो y कोऑर्डिनेट 10 कहाँ पर है, वो ये है। तो हमें करना क्या है कि हमें -4 से वर्टिकली अपवर्ड जाना है और ये जो 10 है उससे हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड आना है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही हमारा ये कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए -4 से हम ऊपर गए, ये गए, अब 10 से हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड आए, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो लगभग ये आएगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो गए -4 एंड 10। इसका मतलब ये कि हमारा ग्राफ यहाँ से ज़रूर पास होगा। अब जो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है 3 एंड 5। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 3 कहाँ पर है, ये है, और वाई कोऑर्डिनेट 5 कहाँ पर है, वो ये है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टली हमें सामने जाना है और यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड जाना है। तो देखिए यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से 5 से हॉरिजॉन्टली सामने आएंगे, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट लगभग ये आएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 एंड 5। अब जो हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट है वो है 10 एंड 0, x कोऑर्डिनेट 10 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ओरिजिन पे और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 10 0 कहाँ पर होगा, तो देखिए ये x कोऑर्डिनेट 10 हो गया और यहीं पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखिए अब हम करेंगे क्या कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो देखिए हम इन तीनों को आपस में मिलाते हैं, तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा वो इस टाइप से आएगा, ये यानी कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 5x प्लस 7y प्लस 50, उसकी ये इक्वेशन है 5x प्लस 7y प्लस इज इक्वल टू 50। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन की है और वो स्ट्रेट लाइन ये है। अब आई स्टूडेंट जो दूसरी इक्वेशन है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले x कोऑर्डिनेट कितना है आपका 5 और y कोऑर्डिनेट कितना है 2.2, तो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट 5 होगा वो कहाँ पर है देखिए, तो x कोऑर्डिनेट 5 हमारा ये है और देन y कोऑर्डिनेट कितना है 2.2। तो देखिए x यहाँ से हम अपवर्ड जाएंगे वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे और 2.2, तो देखिए स्टूडेंट्स 2 और 3 के जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो 2 और 3 के बीच में 9 छोटी छोटी लाइंस होंगी, तो 2 के बाद आपको दो छोटी लाइन काउंट करनी है 1 एंड 2, उससे आप ठीक सामने आएंगे, ऐसा सामने आएंगे और 5 से ठीक ऊपर जाएंगे तो लगभग यहाँ पर आएगा। देखिए 5 से ऊपर जाना है और आपको 2.2 से सामने आना है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 5 एंड 2.2। अब स्टूडेंट देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 एंड 3.6, तो 4 कहाँ है, 4 ये रहा x कोऑर्डिनेट और 3.6, तो देखिए 3 के बाद जब आप छोटे छोटे जो मार्क्स होंगे मतलब लाइंस होंगे उनको काउंट करेंगे तो बीच में मिड आता है वो
फाइव वाला जो मार्क होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे एक और आगे जाना है आपको। तो यहाँ से आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सामने आएंगे और थ्री से ऊपर जाएंगे, तो लगभग हमारा जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 4 and 3.6। अब जो लास्ट कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स उसे देखते हैं। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 9.2। तो ओरिजिन पे क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे भी क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो 9.2 यानी कि 9 के बाद 2 मार्क्स आप और आगे जाना है आपको। तो इस पॉइंट देखिए 1 and 2, तो ये जो पॉइंट होगा इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 and 9.2, क्योंकि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ ये 4 से हमें अपवर्ड जाना था, तो लगभग पॉइंट यहाँ आएगा, ये मैं 3 से ऊपर चला गया, तो ये वाला सही नहीं है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 4 and 3.6। तो अब आइए हम क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। तो देखिए जब आप इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो वो जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो इस टाइप से आएगी, ये देखिए ये। तो ये जो दूसरी स्ट्रेट लाइन आई इसकी जो इक्वेशन है वो है 7x + 5y = 46। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों स्ट्रेट लाइन ने एक दूसरे को देखिए इस वाले पॉइंट पे ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर काटा है। तो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट आया वो आया है 3 और यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 5। वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हमने x को क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3, तो यानी कि 3 रुपीज़ हो गया। और y इज इक्वल टू हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन या प्राइस ऑफ वन पेन, तो वो इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5, यानी कि हो गए 5 रुपीज़। हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि एक पेंसिल और एक पेन का जो प्राइस होगा या कॉस्ट होगा वो कितनी होगी। तो आंसर आ गया 3 रुपीज़ and 5 रुपीज़। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशंस के थ्रू और ग्राफिकली हमने कैसे फाइंड किया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तक करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।